हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश ऑन अन अकेडमी। मैं अजीत रोइड आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके 2 मिनट ले लेता हूं ताकि तब तक सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाएं। हम अन अकेडमी के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं कि हाउ टू क्रैक राजस्थान एग्जाम्स और भी एग्जाम्स लाइक SSC, बैंक, UPSC, उन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विद अन अकेडमी, विच इज इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है अन अकेडमी, जहां आपको बेस्ट से बेस्ट कोर्स, बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर के अवेलेबल हैं। यहां से आप उनका किसी भी टॉप एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो एक टीचर के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बाकी के सारे सब्जेक्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने मेरे नाम से भी अगर कोई कोर्स लिया है, इंग्लिश के नाम से भी, तब भी आपको मैथ, रीजनिंग, GK, उस कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश के लिए ही लें। आप अगर UPSC ले रहे हैं, SSC ले रहे हैं, आप बैंक ले रहे हैं, आप कोई भी ले रहे हैं, फीस आपकी एक ही लगेगी और आप उस फीस में सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो आपको ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करके उसको इंस्टॉल करना है और आपको वहां अपना गोल सेट करना है कि आपको कौन से गोल पे जाना है, UPSC, RPSC, बैंक, SSC। और वहां जाकर के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, जैसे मान लो आप RPSC का ही ले रहे हैं, तो आपके सामने इंटरफेस होगा मंथ्स के अकॉर्डिंग, 12 मंथ, 24 मंथ्स। आप इन दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा 24 मंथ। क्यों? क्योंकि 1000 के डिफरेंस में हम क्यों एक साल का नुकसान करें। उसमें भी अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो 12 मंथ का जो आपका कोर्स होगा वो 7000 का है। पर अगर आप ये मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं लाइव रॉइड, तो आपको इंस्टेंट वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। पर आपको ये कोर्स पड़ जाएगा 6300 का। इसका मतलब अगर 24 मंथ का लेते हैं तो 24 मंथ का जो होगा आप 8400 का 10% काट दीजिए, 7400 आपका पड़ जाएगा। इंस्टेंट आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आप ये मेरा प्रोमो कोड किसी भी प्रिपरेशन के लिए लगा सकते हैं। आप UPSC ले रहे हैं तब भी आप लाइव रोल लगा दीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। SSC ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, आपको कोई और कोर्स करना है, आप लाइव रोड यूज करो और 10% डिस्काउंट आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? तो यहाँ आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी, क्या आपको अन अकेडमी दे रहा है, डेली लाइव क्लासेस आपको देगा, आप लाइव टेस्ट यहाँ दे सकते हो, यहाँ आपके पास में प्लान कोर्स होंगे, स्ट्रक्चर कोर्स होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, जितनी बार चाहो देखो, पॉज करो, बैक करो, राइट, जितनी बार आप डाउनलोड करो, आप आराम से अपने सारे डाउट्स को तरीके से, आराम से, स्पीड से, स्लो स्पीड से, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप वीडियो देखो और अपने डाउट्स क्लियर करो। इस तरह से आप अनअकैडमी के इस ऐप के साथ अपना बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो, राइट। यहाँ स्ट्रक्चर कोर्सेज की सबसे अच्छी बात है कि आपको प्लान बोले तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ सारे टॉपिक मिलेंगे। और अगर एक भी एजुकेटर के नाम से आपने कोर्स किया है, यूज मतलब लिया है, तो बाकी उसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। थैंक यू गाइस, चलते हैं आगे। अच्छा इंसान तब बुरा बनना शुरू कर देता है जब लोग उसकी अच्छाई का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। आप पढ़ रहे हैं अजीत रॉयड मेमोरी एक्सपर्ट के साथ। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल उन सारे शब्दों की, रिविजन की, जो हमने अर्ली क्लास में, यानी कि इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़े थे, उन सारे शब्दों का रिवीजन हम इस क्लास में करेंगे बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से। तो आई होप कि आप सब लोग तैयार हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आपके सामने है गैंसे। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप कमेंट करके बताइए गैंसे का मैंने आपको क्या मतलब बताया था। जो मतलब हिंदी में बता सकता है वो हिंदी में बताए, जो इसके सिनोनिम के रूप में बता सकता है वो सिनोनिम के रूप में बता सकता है, बट मुझे बताइए कि मैंने क्या बताया था आपको गैंसे का मतलब। जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट। वेरी गुड, जिन लोगों ने बताने की कोशिश की अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं, मैं रिवीजन के साथ साथ आपको जो याद नहीं हुए मैं फिर भी एक दो बार और आपको ट्रिक बताऊंगा, सो दैट आपको याद हो जाए। इज दैट क्लियर? यहां सीधा सीधा बन रहा है GAIN, GAIN से बन रहा है गैन, और SAY से बन रहा है से। तो यहां सीधा सीधा क्या बन रहा है, आप कह सकते हो भाई गेंद से या गैन से बन रहा है गैन। तो सीधा सीधा लॉजिक बन रहा है, अगर हमारे घर में आप गेंद से खेलोगे तो किसी की हिम्मत नहीं है जो मना करे। बोले तो मना करना, किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको इनकार करे। ओहो, वर्ड गलत हो गया है, रे बहुत लंबा बन गया, अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा है, मैं मना कर रहा हूँ, कोरोना रुक भाई रुक। इनकार करना,
इनकार करना, ये मैंने बता दिया इनकार करना, राइट। गेंद से खेलोगे तो कोई मना नहीं करेगा, कोई इनकार नहीं करेगा। अच्छा, अस्वीकार करना, अस्वीकार करना एक ही बात है, अस्वीकार करना, इज दैट क्लियर, याद आ गया। और मैंने क्या क्या बताया था बताओ फटाफट, मैंने डिनाय बताया था आपको, रिजेक्ट बताया था, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, और मैंने आपको डिक्लाइन बताया था, इज दैट क्लियर। गेंद से खेलोगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा। चलिए अगले वर्ड पे पूछ करते हैं, अगला वर्ड है गेज। आप मुझे बताइए इसका क्या है, क्या है आपका मतलब, तो सीधा सीधा बन रहा है कमेंट करके बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं, राइट। इससे सीधा सीधा ये वर्ड तो बन ही रहा है, याद करने की कोशिश करो क्या गेट से हमने बनाया था। मैंने बताया था जैसे हम बारात लेके लड़की वाले के घर पहुंचते हैं, याद आया आपको, जैसे हम बारात लेके लड़की वाले के घर पहुंचते हैं तो भैया हम लोगों की बदल जाती है, बोलो क्या, चाल, हमारा बात करने का बदल जाता है, बोलो ढंग, चाहे हमने कितनी भी पी रखी हो, लड़की वालों के दरवाजे पे जाके बड़े तरीके से, तौर तरीके से, सिस्टम से अपन बात करते हैं, बोलो बात समझ में आई, यस, बोलो यस गुरुदेव, ऑलराइट, ये हो गया ढंग। अच्छा, मैंने क्या क्या बताया था, द वे इन विच अ पर्सन और एनिमल वॉक्स, उसको कहते हैं चाल। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां, मैं इसको लिख सकता हूं क्या गाइस, बोलो, तो मैं लिख सकता हूं चाल, बोले तो द वे इन विच, द वे इन विच ए पर्सन और एनिमल, पर्सन और एनिमल वॉक्स, सब ऐसे ही चलेगा आज, राइट ना, एक ऐसा तरीका जिसमें वो एक आदमी या एनिमल जो होता है वो वॉक करता है, उसको कहते हैं हम गेज, इज दैट क्लियर, कैच। आगे वर्ड पे कुछ करते हैं, अगला बताइए फटाफट, गेल का मतलब क्या है, जल्दी कोशिश कीजिए याद करने की, गेल का मतलब क्या है, कौन सबसे पहले जवाब देगा गेल का मतलब क्या है, फटाफट कोशिश कीजिए, जो जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा, जल्दी से जवाब दीजिए, वेरी गुड, कोशिश अच्छी है और कोशिश आपकी अच्छी होनी भी चाहिए, इतनी अच्छी कोशिश, इतना अच्छा पढ़ने के बाद में भी अगर आपकी कोशिश अच्छी ना हो तो फिर कैसे काम चलेगा। देखिए इधर मैं आपको बता देता हूं, ये हमने कनेक्ट किया था क्रिश गेल से, बोले तो जो गेल है, और जो क्रिश गेल है वो जब भी खेलता है तो मैंने आपको बताया था आंधी तूफान की तरह खेलता है, आंधी कहो झक्कड़ कहो, आंधी कहो या झक्कड़ कहो, यार क्या लिखता हूं मैं कभी कभी तो झक्कड़ लिख रहा हूं, अब देखो, अरे अब किधर जा रहा है ये बच्चे, किसी दिन पकड़ के इतना मुझे आपको सुनाएंगे, यहां लिखो झक्कड़ और इसको बनाओ आधा कै, है ना, आंधी झक्कड़ जिसे हम कहते हैं, वेरी गुड, मान लिया ना अब, यस, तो क्या कहेंगे, ए स्ट्रॉन्ग विंड, तो मैं लिख दूं यहां, बिल्कुल पेन चेंज करके लिख दो ताकि बच्चों की और इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, बोले तो आहा, ए स्ट्रॉन्ग विंड, ए स्ट्रॉन्ग विंड, राइट ना, मेनी ट्रीज वर ब्लोन डाउन इन द गेल, तो एग्जाम्पल, मैनी trees were blown down in the gale, ये मैंने आपको बताया था, राइट ना, और ये जो गेल है, what is this, this is a noun, ये आपकी noun है, is that clear, अगर आपको कोई दिक्कत हो ना तो आप मुझे बता सकते हो, राइट ना, ये noun भी है और यही शब्द एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव का भी ये शब्द काम कर लेता है, इज दैट क्लियर, कभी कभी हम इसको कुछ शब्दों में ले लेते हैं, आंधी हवा का झोंका, है ना, प्रचंड वायु जिसे कहते हैं, अंधड़, राइट ना, और इसके मैंने आपको सिनोनिम बताया था एक टोर्नाडो, TORNADO, और एक और बताया था स्टॉर्म से रिलेटेड, स्टॉर्म वही होता है ना, तूफान जिसको हम कहते हैं, है ना, यस, चलिए आगे और बढ़ते हैं, ये वर्ड क्या मतलब है इसका, कमेंट करके बताओ तुरंत प्रभाव से, देन आई विल हेल्प यू, तुरंत कमेंट करके बताइए कि इसका मतलब क्या है, जल्दी से कोशिश कीजिए इसका मतलब क्या है,
मैं बताता हूं, अगर आपको कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, ट्रिक इसकी मैंने बताई थी, अगर आपको कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो यहां मैंने लिख दूंगा, लिख रहा हूं, अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए, गुस्सा दिलाने की अगर आपको कोई कोशिश करे, राइट ना, तो उसके गाल पे चांटा मारना। तो GALL गॉल, और हम इसको बना रहे हैं गाल, तो गाल पर कब चांटा मारना है, जब आपको कोई क्या दिलाने की कोशिश करे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तो हम कह सकते हैं जब आपको कोई गुस्सा दिलाए भाई, उसके गाल पे खींच के चांटा मारना, राइट ना। और चाहे भले वो कहे यार चांटा मारना असभ्य व्यवहार है, असभ्य क्या है, व्यवहार, चाहे वो आपको ज्ञान दे, लेकिन फिर भी वो चाहे कुछ भी कहे, वो कितना भी असभ्य व्यवहार कहे, लेकिन उसके गाल पे खींच के आपको चांटा मारना ही है फाइनली, राइट। अच्छा देखिए, मैं लिख देता हूं इसके कुछ मतलब कैसे, सुनिए, ए बिटर लिक्विड विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। अब ये देखिए, आप इसको भी ध्यान से देखिए, राइट, गॉल ब्लैडर, ये भी मतलब ये इस सेंस में भी यूज होता है, राइट ना, ए बिटर लिक्विड विच इज स्टोर इन द ना गॉल ब्लैडर जो होता है उसमें जो स्टोर होता है, राइट, वो भी है। और हम कह सकते हैं एक और सेंस में इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस के सेंस में, या फिर टू एनॉय करना, आप कह लो टू एनॉय, एनॉय गुस्सा करना, टू एनॉय समबडी, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष को एनॉय करना, और वो वेरी मच, बहुत ज्यादा एनॉय करना, इज दैट क्लियर। तो ओवरऑल यू कैन से इट, चेंज कर देता हूं इसको, रिवीजन मोड पर हैं आप, बुरा ना माने, होली है, कहना छोड़ दो, इट गॉल्स मी टू, इट गॉल्स मी टू थिंक दैट ही इज अर्निंग सो मच, याद आया, बहुत ज्यादा कमा रहा है वो, मच मनी, क्लियर है साहब। आगे कुछ कीजिए, बताइए गैलप का मतलब क्या होता है, कौन जवाब देगा, गैलप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कौन जवाब देता है, जल्दी जवाब दीजिए, GALLOP, गैलप, तो आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूं गैलप का, देखो पेन चेंज कर ले, यस, GALL, इससे हम सीधा सीधा बनाएंगे गाल, और यहां ये ओपी, ये है आपका ओपी, और पेन चेंज करके ओपी से बनाएंगे हम, बोले तो ओपी, वही ओम प्रकाश, राइट ना, मैंने ओम प्रकाश की गाल पर उसके पिता के द्वारा चांटा मारते हुए देखा, जैसे उसके पिताजी ने उस ओम प्रकाश को चांटा मारा, तो भैया वो वहां से सरपट दौड़ा, बोले तो उसके पापा ने जैसे उसको चांटा मारा ओम प्रकाश को, वो वहां से सरपट दौड़ा। अब पापा जी चांटा मार सकते हैं, बोलो हाँ या ना, भाई किसी को भी मार सकते हैं पापा जी, तो मुझे भी मार सकते हैं, आपको भी मार सकते हैं, राजीव को, सुरेश को, महेश को, किसी को भी मार सकते हैं पापा जी, और जब पापा जी मारते तो हम सरपट दौड़ते, बोलो दौड़ते हैं या नहीं दौड़ते हैं, आया ना। तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, क्या हो सकता है, जरा देखिए, व्हाइट पेन कहाँ हो, आइए व्हाइट पेन हम ले लेते हैं, बुरा वक्त तो गुजर ही जाता है बच्चों, पर एक दिन अच्छे अच्छे लोगों की असलियत दिखा जाता है, राइट। तो हम कैसे कहेंगे, ए पीरियड ऑफ राइटिंग एट, यानी द फास्टेस्ट पेस ऑफ ए हॉर्स, द FASTEST, fastest pace of a horse, is that clear, clear sir,
या फिर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे देता हूं, द हॉर्स वेंट ऑफ एट ए गैलप, गैलप बोले तो सर पर दौड़ा, गाल के चांटा मारा ओपी ने, बोले तो वो सर पर दौड़ा, कौन दौड़ा, घोड़ा दौड़ा, बहुत तेजी से आगे गया, राइट ना, ओके अच्छा एक में ये वर्ब है, और वर्ब का एडजेक्टिव अगर बनाना है तो आईएनजी लगा देना, इसका मतलब अगर मैं इसमें आईएनजी लगा दूं, इसी में, राइट ना, आई एन जी, तो यही शब्द जो गैलपिंग है, यही शब्द आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, तो आप कह सकते हो एडजेक्टिव बन गया साहब गैलप, इज दैट क्लियर, तो गैलपिंग तेजी से बढ़ता हुआ, आप कह सकते हो इंक्रीजिंग वेरी क्विकली, तब इसका ये सेंस निकल के आ जाएगा, गैलपिंग हम कब यूज करेंगे, बोले तो इंक्रीजिंग वेरी क्विकली, इंक्रीजिंग वेरी क्विकली, राइट, इन दैट केस तेजी से बढ़ता हुआ, और बताइए कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, चलिए अगले वर्ड पर पहुंचते हैं, अगले वर्ड का बताओ गैलोज, क्या मतलब है इसका, कौन मुझे बताएगा गैलोज का मतलब क्या होता है, कोशिश कीजिए कमेंट करके बताइए कि सर गैलोज का मतलब ये होता है, आई एम वेटिंग, सब लोग जवाब दो तुरंत प्रभाव से, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, राइट, सुन तो नहीं रहा हूं लेकिन मैं कमेंट देख रहा हूं, नाम आपके ले नहीं सकता क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ सकता हूं केवल, रिकॉर्डिंग क्लास है ना, जानते हैं आप, कोई बात नहीं, एक शख्स ही काफी होता है गम बांटने के लिए, एक शख्स ही काफी होता है गम बांटने के लिए, महफिलों में तो सिर्फ तमाशे बनते हैं, गर्ल्स को अलाउ नहीं है फांसी का तख्ता, बोलो गर्ल्स को अलाउ नहीं है फांसी का तख्ता, तो मैं कैसे इसको याद करूंगा, अरे याद क्या करना, जी ए एल सीधा सीधा बन रहा है गल, और ए एल ओ डब्ल्यू, अरे वाह कितना सुंदर लग रहा है ना, गर्ल्स को अलाउ नहीं है, तो मैं यहां लिखूंगा बोले तो गर्ल, हमारे इंडिया में बोले तो अलाउ नहीं है, राइट, इंडिया में अलाउ नहीं है, क्या अलाउ नहीं है, बोले तो फांसी का तख्ता, फांसी का तख्ता, भैया ऐसी प्रेजेंटेशन आपको आपकी जिंदगी में ना तो कभी मिली होगी और ना मिलेगी, ये मेरा बहुत बड़ा भ्रम है, यू नो व्हाट, ऐसे नहीं कहना चाहिए, बस फांसी का तख्ता इसका मतलब है, तो मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन, ए वुडन फ्रेम, ए वुडन, एन कितना गंदा बना है देखो, ए वुडन फ्रेम ऑन विच, लड़कियों की राइटिंग इतनी अच्छी होती है, काश मेरी राइटिंग भी उनकी जैसी होती ना तो प्रेजेंटेशन में और मजा आ जाता, क्रिमिनल्स, और ये कितना गंदा लिखा है मैंने यहां पर, और ये पढ़ने में ही नहीं आ रहा होगा आपसे, राइट, ऑन विच क्रिमिनल्स, आर हैंग्ड, बोले तो एक फुडन ब्रेम मतलब फ्रेम होता है जिस पर जो क्रिमिनल है ना उनको लटकाया जाता है, तो बोले तो ए वुडन फ्रेम ऑन विच राइट क्रिमिनल्स आर हैंग्ड, जिस पर क्रिमिनल्स को लटकाया जाता है, किसी जमाने में लटकाया जाता था फांसी का तख्ता, राइट ना, यस, चलिए और कोई बात, आपको याद हो गया होगा, गर्ल्स को अलाउ नहीं है फांसी का तख्ता, गर्ल्स को अलाउ नहीं है किसका, फांसी का तख्ता, इज दैट क्लियर, आगे अगला वर्ड लेते हैं गैलोर, कौन बताएगा इसका मतलब क्या होता है, कोशिश कीजिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था गैलोर का मतलब क्या होता है, यस, मैं चाहता हूं आपको सारे शब्द याद हो, अगर कि कोई क्लास ऊंच नीच हो जाए तो दूसरी क्लास में आपको अच्छे से और याद होने की कोशिश हो सके, कोशिश कीजिए और कॉमेंट कीजिए, जीतने वाले लाभ देखते हैं और हारने वाले दर्द, यस, जीतने वाले लाभ देखते हैं और हारने वाले दर्द, चलिए कोई बात नहीं, जिसने कोशिश की है वो बहुत अच्छी बात है,
अब ये वर्ड गैलरी से रिलेटेड लग रहा है मुझे। गैलरी, जो फोन गैलरी होती है, उस फोन गैलरी में हमारे फोटोज की अधिकता होती है, अधिकता होती है साहब। हमारे वहां जो फोटोज होते हैं वो प्रचुर मात्रा में होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। इज दैट क्लियर? ओवरऑल बात समझ में आ गई, अधिकता, प्रचुर मात्रा में, यानी कि ये क्या चीज है, ये आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। ऑलराइट, ये आपका एडजेक्टिव है, प्रचुर मात्रा में। देखिए कैसे, ये एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव तो है ही, लेकिन इसको रखा ज्यादातर नाउन के पीछे जाता है। जैसे मैं बता देता हूं, प्लेस्ड वाउ इमीडिएटली, प्लेस्ड इमीडिएटली, सही है ना स्पेलिंग बच्चों? वो देखना एक बार, है ना, आफ्टर नाउन, राइट, आफ्टर नाउन, इसको आफ्टर नाउन के बाद मतलब यूज किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, और एग्जांपल के तौर पे देयर आर बुक शॉप्स, अब मैं उस वर्ड को यहां यूज करूंगा, तुरंत बाद रखा जाता है गैलोर, राइट, बोले तो गैलोर, और वापस मुझे पेन चेंज करना है, इन दिस टाउन, इन दिस टाउन, राइट ना? तो देयर आर बुक शॉप्स, यहां बहुत सारी बुक शॉप हैं गैलोर इन दिस टाउन, राइट ना, प्रचुर मात्रा में, राइट ना? अच्छा, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब भी है, ध्यान रखना, दिस इज एडजेक्टिव एंड दिस इज ऑल्सो एडवर्ब। एडजेक्टिव भी यही है, एडवर्ब भी यही है, और एडवर्ब से रिलेटेड एग्जाम्पल आपको देते रहेंगे हम, फिलहाल तो आगे चलते हैं, है ना? और बात आती है इसका प्रोनंसिएशन क्या है, इसका प्रोनंसिएशन है गैलो, गैलो, है ना, गै लो, गैलो, रेस में साइलेंट रहता है, गैलो। अगला वर्ड लेता हूं मैं, और अगले वर्ड पे कूच करते हैं, और अगले वर्ड का बताओ इसका मतलब क्या है। गैम्बल, जी ए एम बी ओ एल, बताइए जल्दी से, गैम्बॉल, बच्चों उन्हें हराने की कोशिश कभी मत करना, जिन्होंने तुम्हें जीतना सिखाया है, अब वो चाहे टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, उन्हें कभी हराने की कोशिश मत करना। देखिए गाइस, कोई बात नहीं, गेम, मैंने ऐसे ऐसे गेम देखे हैं, ये देखो यहां सीधा बन रहा है, मैंने ऐसे ऐसे गेम देखे हैं, राइट, ऐसे ऐसे गेम जो बॉल से खेले जाते हैं, राइट ना, और वो भी कैसे, जरा देखिए, जो गेम बॉल से खेले जाते हैं उनमें वास्तव में बच्चा हंसते खेलते, हंसते खेलते और दौड़ते, हंसते खेलते दौड़ना, राइट, इसका मतलब होता है। तो कुछ गेम के मतलब, कुछ मतलब गेंद के मतलब, कुछ गेम ऐसे होते हैं जिनको हंसते खेलते बच्चा आराम से खेल सकता है, गम बॉल, इज दैट क्लियर? अब मैंने इसकी सेकंड फॉर्म बताई थी आपको, थर्ड फॉर्म बताई थी कि लास्ट में ईडी लगा दो लेकिन डबल एल हो जाएगा, राइट ना? जैसे ये ही वर्ड इसको ही ले लेते हैं हम ऊपर ही ऊपर, तो ये इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी, गेम बॉल, इज दैट क्लियर? जिसका मतलब है, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, याद करो, इसको यूज कहां करते हैं, देखिए यूज कहां करते हैं, मैंने आपको बताया था यूजुअली, यूजुअली, राइट, ये हो गया यूजुअली, सही है ना, डबल एल आ गया ना इसमें, हाँ बिल्कुल, आजकल दिखता और नहीं है, यूजुअली ओनली ऑफ लैम्प्स, इज दैट क्लियर ना? लैम्प्स के लिए, लैम्प्स जानते हो आप? अभी मत कहना गुरुजी हम लैम्प्स नहीं जानते, है ना, बोले तो वो जो मेमना है ना, वो होते हैं ना मेमना टाइप, या निर्मल या दुलारा व्यक्ति भी कह सकते हो, राइट ना, राइट, वो मतलब दो तीन इसके मतलब होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको तो मेमना टाइप है ना, उसके लिए, वो मेमना, अच्छा छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे खेलते कूदते हैं, इधर भागे उधर भागे, नया नया बच्चा जो होता है ना गाय भैंस का, और वो भाई साहब 2-3 दिन में इतना इधर उधर भागना लग जाता है, एक गाय का जो बछड़ा होता है ना उसको पकड़ना बहुत टेढ़ी खीर होती है, 5-7 दिन बाद देखो भाई साहब वो इतना भयंकर तरीके से पीछे इधर भागा इधर भागा इधर कूदा उधर कूदा, तो वो सिचुएशन हो गई हंसते खेलते दौड़ना, राइट, ये है गैम बॉल।
अगला वर्ड आपके सामने है ये गबैट गार्बलर्स, क्या है भैया इसका मतलब, जल्दी बताइए फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर यू। मुझे हजारों सलाह देने वालों, मुझे हजारों सलाह देने वालों, जरा एक दिन मेरी जैसी जिंदगी जी के तो दिखाओ। वास्तव में आज की विडंबना यही है, जनता भटक रही है, कोई कहाँ भटक रहा है, कोई कहाँ भटक रहा है। सलाह देते हैं, उसकी सूचना उसके पास, उसकी सूचना उसके पास। खैर बच्चों, हमें क्या मतलब है, देखो राइटली हमें तो इसके मतलब से मतलब है। आपने कोशिश की, मैं लाइव क्लास में देख ही लूंगा आपके कमेंट किसके सही थे और किसके नहीं थे, आई विल अप्रिशिएट यू राइट ना। तो GAR आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर पर ही ब्लेड ब्लेड जो होते हैं राइट ना, ब्लेड जो होते हैं ना, पत्ती जिसे कहते हैं अपन दाढ़ी वाड़ी बनाने की, उनको अस्त व्यस्त तरीके से पटक देते हैं राइट ना, घर पर ब्लेड को अस्त व्यस्त तरीके से पटक देते हैं। तो हम कैसे कहेंगे सूचना का मतलब अस्त व्यस्त, हम कहेंगे इसमें सूचना का अस्त व्यस्त और भटकाने वाला, सूचना का अस्त व्यस्त और भटकाने वाला, यानी कि बाला है ये। तो ये बात यहां क्लियर हो गई, तो फिर भैया ये होना चाहिए आपका एडजेक्टिव। देन व्हाट इज दिस, दिस इज एडजेक्टिव, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सूचना को उल्टा सुल्टा तोड़ मड़ के उल्टा सुल्टा मतलब एक दूसरे से दूसरे स्थान पर पहुंचाए राइट ना, उसको कहते हैं हम गार्बलेज। इज दैट क्लियर, गार्बलेज। तो सूचना का अस्व्यस्त और भटकाने वाला, जैसे मान लो मैंने आपको इससे जस्ट पहली वाली क्लास में जो एग्जांपल दिया था, मैं वही एग्जांपल आपको वापस दे देता हूं राइट ना, लाइन खींच के, ताकि आपको याद रहे कैसे। पेन, यस, द गर्ल gave up the black account of the accident। एक्सीडेंट के बारे में बोले तो कैसी सूचना दी, ये आपको यहां इस सेंटेंस से पता चल जाएगा राइट ना, ठीक है। ऑफ चले आगे, और कोई दिक्कत इसमें, या तोड़ मरोड़ के कह सकते हो ना, तोड़ मरोड़ के किसी चीज को मतलब पेश करना है ना, विकृत रूप से राइट, डिस्टॉर्टेड तरीके से है ना, डिस्टॉर्टेड तरीके से अपन किसी चीज को इधर उधर। अच्छा ये मतलब एक्चुअली में ये क्रिया से आया, कौन सी क्रिया से, गार्बल क्रिया से। तो आपको ये भी ध्यान रखना है GARBLE, ये क्रिया, ये जो क्रिया है इसी क्रिया से ये वर्ड आया है गार्बलेट। और इस गार्बल का मतलब क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूं, आप सब लिख लीजिए। बोल तो एक तरह से तोड़ना मरोड़ना, तोड़ना मरोड़ना या मिथ्या अर्थ लेना राइट, मिथ्या अर्थ लेना यानी किसी चीज को उल्टा लेना राइट ना। या यूं कहो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी बात को इस तरह से सेट करते हैं कि अपने मतलब की जैसे ही मैनिपुलेट कर देते उसको, तो फेंट कर अपने मतलब का चुन लेना, मैनिपुलेट करना राइट। तो चलिए कोई बात नहीं, अगला वर्ड ले लेते हैं, समझ में आ गया होगा, बताइए इसका मतलब क्या है, जल्दी से कोशिश कीजिए, कमेंट करिए इसका मतलब क्या है। कुछ लोग आपको दर्द के सेवा कुछ नहीं देंगे, चाहे आप उनको अपना सब कुछ दे दो। इसीलिए मैंने कोशिश की थी कि गोयल जी के घर जाके मैं नल लगाऊं, मैंने उनको नल लगाया भी, मैंने गोयल जी के घर मैंने नल लगाया भी, वो भी जीवाकार नल लगाया था। बट गर्गोयल जो है, गर्गोयल वर्ड बोले तो गोयल जी जो है ना, उन्होंने मतलब कभी एहसान नहीं माना। तो GAR यहां इसका सीधा सीधा बन रहा है यानी कि घर, और यहां ये बन रहा है गोयल,
और यहाँ सीधी सीधी ट्रिक बन के आ रही है, बोले तो गोयल जी के मैंने जो घर लगाया है, गोयल जी के घर, गोयल जी के घर, तो इसको बना लेते हैं यहीं से, गोयल जी के घर, राइट ना, पानी का नल लगाया, बोले तो पानी का नल, है ना, यानी कि आप कह सकते हो पानी का नल या फिर परनाला, पानी का नल या परनाला आया ना, या फिर जीवाकार नल टाइप, जीव के आकार का जीवाकार नल, राइट ना। तो मैंने गोयल जी के घर लगाया था, बट उन्होंने मेरी मेरा कभी एहसान नहीं माना, राइट ना। और इसके मैंने आपको सिनोनिम भी बताने की कोशिश की थी, राइट ना, पाइप टाइप, ड्रेन टाइप, गटर टाइप, सिंक टाइप, है ना, ये सारी चीज, तो ये वो होता है, राइट ना। और इसका मैं बता दूं, गर गोयल बोलते हैं इसको, गर गोयल। अब हमने इस गर गोयल को थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के क्या बना लिया, घर गोयल जी के, इज दैट क्लियर। चलिए अगला वर्ड ले लेते हैं, अगला वर्ड है आपका गैरिश। इसका मतलब कौन बताए, सबसे पहले कौन जवाब देगा, यस लेट्स सी कौन है वो धुरंधर आदमी जो सबसे पहले बताएगा कि गैरिश का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। जिन लोगों को भड़कना होता है ना वो भटक जाते हैं, जिनको भड़कना होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन भी कर लेते हैं, ऐसा नेचर ऐश्वर्या क्या है। और मैं बता रहा हूं भड़कीला नेचर है उसका, एडजेक्टिव है ये, क्या है, एडजेक्टिव। तो हम कैसे याद करेंगे, बोले तो जी ए आर, बोले तो घर, और एस, यानी कि जो एस है, एस लिख दीजिए, एस, एस को अपने घर पर कभी भी भड़कीली चीजें पसंद नहीं आती, राइट ना। या फिर यूं को गैरिस या ग्रीस कह सकते हो इसको, बोले तो ग्रीस ने, बोले तो जैसे ही एस ग्री उसका मजाक बनाया, और एस जैसे ही गिरी वो एस उस ग्रीस पर भड़क गई, जैसे एस गिरी तो वो एस ग्रीस पर भड़क गई, तो क्या कहोगे कि घर पर ऐश्वर्या गिर गई, जैसे ही गिरी ग्रीस ने उसका मजाक बनाया, और जैसे उसने मजाक बनाया तो ऐश्वर्या उस पर भड़क गई, इज दैट क्लियर। तो ये हो गया आपका, देखिए अनप्लीजेंटली ब्राइट और सोपी मैंने बताया था, तो मैं यहां लिख देता हूं unpleasantly, BRIGST, bright, और SOWI, sobi, is that clear? Unpleasantly bright or showy, तो ये आपका हो गया adjective। और अगर आपको इसका adverb बनाना हो तो क्या करेंगे, ly लगाएंगे, right ना। फिर मैं इसका यहां लिख देता हूं आपको बना के, right, तो जी ए आर आई एस एच एल वाई, वॉट इज दिस, दिस इज एडवर्ब, ये इसका एडवर्ब बन जाएगा, और इसका अर्थ निकलेगा भड़कीलापन, तब इसका अर्थ भड़कीलापन निकलेगा। और अगर आप चाहते हो कि सर इसके नाउन कैसे बनेगी, तो वो नाउन भी मैं आपको बता देता हूं, राइट ना, रेड पेन से लिख देता हूं, इसमें इसी वर्ड में जी ए आर आई एस एच, इसी वर्ड में हम एन ई डबल एस लगा देंगे, और ये गैरिशनेस जैसे बनेगा ये आपका नाउन बन जाएगा, एन ओ यू एन, ये आपका नाउन बन जाएगा, इज दैट क्लियर। अच्छा ये दोनों ही चीज हो गई, नाउन में भी इसका अर्थ यही निकलेगा भड़कीलापन, है ना, ये नेचर यार तेरा भड़कीलापन, भड़कीलापन नेचर है तेरा, राइट ना, भड़कीलापन नेचर है, तो भड़कीलापन नेचर, नेचर के लिए तो अपन इसको यूज कर नहीं रहे, ठीक है ना, हम किसी चीज के लिए, कोई चीज दिख रही है उसके लिए अपन यूज कर रहे हैं, यार ये जो दीवार है बहुत भड़कीलापन की दीवार है, तो एडजेक्टिव तो ये हो गया, हाँ है ना, और ये नाउन भी है। अब इसके मैंने कुछ आपको अगर बताए हों सिनोनिम वगैरह, राइट ना, तो अच्छी बात है, नहीं बताए तो मैं एक दो और सिनोनिम इसके बता देता हूं ताकि आपको याद आ जाए, है ना, और मुझे भी कुछ याद आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं क्या क्या हो सकते हैं। जी ए यू डी वाई, ये अभी हम इसी में आगे पढ़ेंगे,
अभी हम आर पे चल रहे हैं, ये यू जी ए यू है राइट ना, तो ये गोदी वाला वर्ड है ठीक है। एक तो ये हो गया, एक होता है मतलब सोवी है ना, जो सोवी टाइप होते हैं जो ज्यादा दिखावा करते हैं वो, इज दैट क्लियर। और क्या हो सकता है, बस ज्यादा नहीं, एक ही बहुत है ना गोदी। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। वाओ अगला वर्ड है आपके पास गार्नर, कौन बताएगा जल्दी बताइए गार्नर। जल्दी कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए, आई एम जस्ट वेटिंग। कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा तो आपको डरना नहीं, मैं बताता हूं। देखिए जी ए आर राइट और एन ई आर, जी ए आर और एन ए आर, तो मैं यहां लिखूंगा जी ए आर से वही बनता है अपना घर, और ये एन ई आर से बन रहा है बोले तो नर, नर बोले तो पुरुष, नर बोले तो पुरुष, और पुरुष की आधी जिंदगी घर पर पत्नी के लिए दुनिया भर की चीजें, इधर देखिए इस पिक्चर में दुनिया भर की चीजें इकट्ठी करने में निकल जाती है, संचित करने में निकल जाती है एक पुरुष की घर पर अपनी पत्नी के लिए इतनी सारी चीजें इकट्ठी करने में ही निकल जाती है। बोले तो यूं कह सकते हो गार्नर, घर पर नारी दुनिया भर के प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है। तो इसका फाइनली मतलब क्या हुआ राइट ना, आपको बुरा थोड़ी मानना है, बुरा नहीं मानना है भाई राइट ना। इसके मतलब मैं बता देता हूं क्या क्या हुआ, एक दो। तो देखिए यहां मैं कह सकता हूं कलेक्ट, फाइल करना और सेव करना, और इसका फाइनली जो मतलब है वो इकट्ठा करना है, इज दैट क्लियर। तो एक्चुअली में इसका जो फाइनली मतलब है वो क्या है, इकट्ठा करना। तो मैं लिख सकता हूं इसका जो मतलब है वो इकट्ठा करना है राइट, ए ख ता करना, इसका मतलब हो गया इकट्ठा करना। अब आपको ये उल्टा नहीं दिख रहा क्या, कोई बात नहीं, अगर उल्टा नहीं दिख रहा तो मैं इसको सीधा कर देता हूं, अब तो दिख गया होगा, नहीं दिखा कोई बात नहीं, मोबाइल टेढ़ा कर लो ताकि थोड़ा माइंड को स्ट्राइक करे, फिर भी कोई बात नहीं लिख ही देता हूं, इकट्ठा करना। बोलो आ गया होगा समझ में आपको, आया ना। चलिए अच्छा इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज नाउन, ये क्या चीज है, इसके ऊपर लिख देते हैं साहब ये आपकी नाउन है ओके, और क्या है गुरुदेव, ये आपकी वर्ब भी है, दो भी है, नाउन भी है और ये वर्ब भी है, दोनों शब्द है, और कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है राइट। संग्रह भी हम इसको कहते हैं नाउन के रूप में, अनाज का गोदाम भी हम इसको कहते हैं, किसी वस्तु का कोषागार भी हम कहते हैं, इसका मतलब सस्यागार या कोषागार या धान कोष्ठ भी हम इसको कहते हैं, इज दैट क्लियर। तो इसके और क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं जरा देखिए, यस संचित इकट्ठी यानी कि सस्यागार, सस्यागार या फिर धान्य कोष्ठ राइट ना, और या फिर सस्यागार या धान कोष्ठ, या फिर कह सकते हो कि अनाज का गोदाम, अनाज का गोदाम राइट ना, अनाज का गोदाम या फिर संग्रह किसी चीज का राइट ना, ये सब इसके होते हैं गार्नर के। चले आगे, आगे लेते हैं गार्निश, जल्दी बताइए कमेंट करके क्या इसका मतलब है फटाफट, आई एम जस्ट वेटिंग। कोशिश कीजिए गाइस, यस गाइस वेरी गुड, कोशिश कीजिए, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो
देखिए, गार्नियर का शैम्पू लगा के, बोले तो घर पर गार्नियर का शैम्पू लगा करके बालों को सजाया जाता है, राइट ना? गार्नियर का शैम्पू लगा के घर पर उनको क्या किया जाता है, सजाया जाता है। तो गार्निश, गार्निश बोले तो सजाना, गार्निश का मतलब है अलंकृत करना, डेकोरेट करना, है ना? तो ये सीधा सीधा बन रहा है, घर पर नारी बोले तो ऐश्वर्या घर पर अपने आप अपने बालों को गार्नियर लगा करके सजाती है, हाँ है ना? तो यहां जी ए आर से बन रहा है वही सीधा घर, एन को इग्नोर कर दो और ये एश, राइट ना? और पूरे को अगर एक बार देखोगे तो बोले तो ये बन जाएगा गार्निश, गार्नियर जैसा बनेगा, गार्नियर, राइट ना? गार्नियर। तो घर पर ऐश जो है वो गार्नियर का शैम्पू लगाती है और बालों को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। इज दैट क्लियर? ये आपकी वर्ब है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, दिस इज वर्ब, और इसका क्या क्या मतलब होता है मैं ऊपर लिख देता हूं। देखो, टू डेकोरेट, टू डेकोरेट किस चीज को, मतलब टू डेकोरेट ए डिश ऑफ फूड, ए डिश ऑफ फूड, ए डिश ऑफ फूड को डेकोरेट करना, इज दैट क्लियर? अच्छा ठीक है, अलंकृत करना, सजाना, इसके मतलब तो मैं लिख ही देता हूं क्या क्या हो सकते हैं, है ना? सजावट, सजावट, या फिर अलंकृत करना, सजावट या फिर अलंकृत करना। अब क्या क्या कह सकते हैं, डेकोरेशन हो गया, मोल्डिंग हो गया, है ना, एडॉर्नमेंट हो ही जाएगा इसका, ठीक है, काफी है, एम्बेलिशमेंट भी हो जाएगा इसका, है ना? और एक और मैंने बताया था, फाइनली नारी साज सजावट पे ध्यान देती है ना, फाइनरी हो जाएगा, एक ऑर्नामेंट हो जाएगा इसका, राइट ना? ये उसी से रिलेटेड है, गार्नियर का शैम्पू लगाओ और सजाओ। अगला वर्ड बताइए, आई एम जस्ट वेटिंग। गुजरा वक्त गुजर चुका है, उसे गुजरा ही रहने दो, आने वाले टाइम की फिक्र करो। अब ये क्या वर्ड है, ये गॉश, गॉश है, ठीक है, आप कमेंट करके बता रहे हो तो ठीक है, नहीं मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जी ए यू, राइट, गौ माता के लिए कुछ लोग ओछी बातें बोलते हैं, और ऐसे लोग जो गौ माता के लिए ओछी बातें बोलते हैं वो लोग फुअड़ होते हैं और भद्दे होते हैं, फुअड़ होते हैं और भद्दे होते हैं, राइट ना? जो गौ माता के लिए कैसी बातें करते हैं, ओछी। और कुछ लोग जो घोची जानते हैं, इसको घोची से, घोची एक गेम होता है ताश वाला, अगर कुछ जानते हैं तो देख लो कि ये गेम होता है कि नहीं होता है, उससे भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। भाई साहब पेन बड़ा नाटक करता है, गोची, राइट ना? गोची बोले तो गोची खेलने वाले लोग भी बहुत फुअड़ होते हैं, बद्दे होते हैं, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ताश वाश खेलते हैं इस तरह से, गोची वोची है ना, शर्त वाला गेम होता है, तो बोले तो फुअड़ लोगों का काम है, बद्दे लोगों का काम है, राइट ना? इस तरह से खेलना है ना। तो आप इसका सेंटेंस कैसे कह सकते हो, ये किसी भी मैन वैन के लिए आप यूज कर सकते हो, ये एडजेक्टिव है ना? तो आप कह सकते हो, किधर लिखूं, यहां लिख देता हूं, है ना, ए डब्लू के, डब्लू ए आर डी, ऑकवर्ड एंड क्लम्सी, राइट, ऑकवर्ड एंड क्लम्सी। तो ए जी ए यू सी एच ई, ए गॉश यंग मैन, बोले तो एक फुअर्ड आदमी, राइट ना? अनस्लाइटली ल्यूड, अगली, राइट? तो अगली भी कह सकते हो, अगली भी इसी से रिलेटेड है, राइट? फुअर्ड, बद्दा। चले आगे, अगला वर्ड ले लेते हैं। अगला वर्ड है, और कौन इसका सबसे पहले जवाब देगा, देखते हैं, लेट्स सी, कोशिश कीजिए और जवाब दीजिए। चली है मौज में कागज की कश्ती, चली है मौज में कागज की कश्ती, शायद उसे दरिया का अंदाजा नहीं,
गांव वालों से कभी भूमि का लगान लेना नहीं। तो भैया इसका मतलब है गांव वालों से कभी भूमि का लगान नहीं लेना है। जी ए वी से बन रहा है गांव, सीधा सीधा बन रहा है गांव, और वी ई एल बोले तो वाले, गांव वालों से कभी भी भूमि का लगान या फिर कर नहीं लेना। गांव वालों से कभी भूमि का लगान या कर नहीं लेना, भूमि का लगान या फिर कर नहीं लेना, भूमि का लगान या कर, एक ही चीज है। इज दैट क्लियर? उसके लिए ये वर्ड यूज होता है और ये वर्ड आपको क्लियर हो जाना चाहिए आई थिंक। और ये है आपका गेवल, क्लियर है साहब? ये आपकी नाउन भी यही है और वर्ब भी यही है, ये दोनों ही वर्ड सेम है। वर्ब में भी यूज करते हैं इसे, नाउन में भी अपन इसको यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? और आपको कुछ जानना है तो आप मुझे बता सकते हो। आगे चलते हैं, गांव वालों से भूमि का लगान मत लेना। जेंटिल, बताइए जेंटिल का मतलब क्या है? बताइए, कोशिश कीजिए। किसी को नीचा दिखाकर उठने वाले लोग जेंटलमैन कहलाते हैं, भद्र कहलाते हैं, कुलीन कहलाते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा, ओ हो, भद्र में पहले काट दिया, राइट? यस, वो लोग भद्र, वेरी नाइस, कुलीन कहलाते हैं, भद्र कहलाते हैं, कुलीन कहलाते हैं, राइट ना? अच्छा, अब इसके बारे में कुछ दो तीन बातें कर लेते हैं। आखिर ये जेंटिल वर्ड है क्या? तो मैं आपको बता देता हूं, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव। और अपन इसको कैसे यूज करते हैं? एक्टिंग, मैंने आपको बताया था, या फिर टॉकिंग, एक्टिंग करना या ऐसे बात करना, एक्टिंग या टॉकिंग या और भी कुछ। विद ए वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट अटेंशन, विद ए वेरी ग्रेट अटेंशन। तो मैं यहां लाइन खींच देता हूं ताकि ये मिक्सअप ना हो। इज दैट क्लियर? व्हाइट पेन से तो मैंने यहां लाइन खींच दी है भाई। ओके, लाइन क्लियर? अब लिख सकते हैं हम आराम से, अटेंशन टू द रूल्स ऑफ पलाइट बिहेवियर, पोलाइट बिहेवियर। इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, इधर एग्जाम्पल व्हाइट पेन से, राइट? सी वॉज, एल ए जी एच डी, लाफ्ड एट फोर बीइंग टू जेंटिल, राइट? जेंटिल, ये डबल ई है बच्चों। ये मुझे बता जरूर देना कि जो मैं आपको आज इस तरीके से जो पढ़ा रहा हूं, ये तरीका आपका सही है या गलत है। जेंटिल है ना, तो जेंटलमैन जो होते हैं वो बड़े ही भद्र और कुलीन होते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, और देखिए, इसका एडवर्ब अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो इसका जो एडवर्ब बनेगा वो यही वर्ड लिखो, जी ई एन टी ई टी डबल ई एल, जी एन टी डबल ई डबल एल वाई, जेंटिली, जिसका मतलब होता है भद्रता, भद्रता। इज दैट क्लियर? भद्रता से उसने काम किया है। और अगर मुझे इसका नाउन बनाना हो तो इसमें हम जोड़ देंगे नेस, और ये बन जाएगा जिन, सॉरी राइट, ये बन जाएगा आपका, हाँ, GEN डबल TE डबल, सॉरी GEN TEE LNE डबल S, जेंटलनेस। दिस इज नाउ ना, ये मुझे सुंदर लगा ही नहीं, दोबारा लिखेंगे बच्चों इसको। जेंटिल
then till ness. This is noun. What is this? Then you will say, sir, this is noun. Gentleness is a noun. Is that clear? अब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? Right? अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको थोड़ा सा, ये जो दीवार है इसको सही बना सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके बाद अलग डिपार्टमेंट है। इसको यूं बना के इसको अलग कर सकते हो, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा ये इन दोनों के बीच में राइट पार्टीशन हो जाए कि साहब उधर की चीज अलग थी और इधर की चीज अलग है। तो ये थोड़ा थोड़ा हमने इधर से इसको कर दिया, और इसको और थोड़ा सा इधर से कर देता हूं। हेलो साहब, अब मुझे मत कहना कि सर कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा। अब आराम से स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी लो, तो इधर की चीज अलग कर दी और उधर की चीज अलग कर दी। उधर ऊपर डेफिनेशन आ रही है एक्टिंग टॉकिंग है ना विद ए जेंटल, बाकी ये चीजें इधर है और उसमें भी ये नाउन के रूप में मैंने आपका लिखा है, और आई होप कि ये आपको अलग से समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये आपके नाउन है। चलिए आगे, इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा सबसे पहले? कौन जवाब देगा? कोशिश कीजिए। जेनुफ्लेक्ट। बताइए। छोटे लोग और छोटे नोट ही मुसीबत में काम आते हैं। जिंदगी में व्यवहार सबसे बनाए रखिए, घुटनों के बल कभी मत बैठना। राइट, देखिए, घुटनों के बल बैठना, घुटने के बल बैठना, घुटने के बल बैठना, ठीक है साहब। जेनुफ्लेक्ट, घुटने के बल, या फिर आप कह सकते हो कि गोद में जा बैठना, गोद में जा बैठना, ये भी इसका है। अब व्हाट इज दिस? तो आप कहेंगे सर दिस इज वर्ब, ये आपकी वर्ब भी है। ओके, अब इस अगर ये वर्ब है तो इसकी कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है, अगर आप चाहो तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक, दो, तीन। तो देखिए, इधर से लिखना स्टार्ट करता हूं। जेनु फ्लेक्टेड सेकेंड फॉर्म, राइट ना? और जेनु फ्लेक्टिंग फोर्थ फॉर्म, और ई लगा के जेनु फ्लेक्स एस लगा दिया, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। इज दैट क्लियर? सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यही होती है इसकी, जेनु फ्लेक्टेड, यही इसकी सेकेंड फॉर्म है और यही इसकी थर्ड फॉर्म है। ये आपका इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको हो, यानी कि जिरन, और ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज दैट क्लियर? जो प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। इसका मतलब गोदी में जा बैठना, जेनुफ्लेक्ट। आगे चलिए, जेरीमेंडर। कौन सबसे पहले जवाब देगा? जल्दी से कोशिश कीजिए। जेरीमेंडर का मतलब क्या होता है? ओके, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों पे दिल छोटे मत किया करो बच्चों, है ना? ठीक है, बस टेंशन नहीं नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, समझ रहे हो मेरी बात? जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार करें। कभी आप नीचे आए तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा। वापस से सुनो मैंने क्या कहा, है ना? जालसाजी मत रखो कभी भी दिल में, कभी भी दिल में जालसाजी मत रखो, गड़बड़ मत मचाओ, धांधली मत करो, क्योंकि जीवन में अगर ऊंचा उठना चाहते हो तो लोगों से अच्छा व्यवहार करें। कभी आप नीचे आए तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा। समझे क्या नहीं समझे? तो इसलिए अच्छा व्यवहार होना बहुत जरूरी है। तो जेरी जो है मंदिर में जालसाजी करता था, तो जेरी ये हो गया, और मेंडर बोले तो मंदिर, जेरी मेंडर। तो जेरी जो है वो मंदिर में क्या करता है बोलो? जालसाजी। तो मैं लिख दूं, जाल सा जी करना, इंटरेस्टिंग, जालसाजी करना, है ना?
चुनाव से पहले कुछ धांधलेबाजी होती है ना, गड़बड़ी है ना, धांधली करना, उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं, धांधली करना। इंटरेस्टिंग, राइट ना, या गड़बड़ मचाना जिसे कहते हैं, राइट, ये उससे रिलेटेड है। अब हालांकि ये क्या है, ये जेरीमेंडर, ये आपकी वर्ब है, जेरीमेंडर आपकी क्या है, वर्ब, और यही जेरीमेंडर आपकी नाउन है। तो कुछ वर्ड होते हैं जो खुद नाउन भी होते हैं और वो खुद वर्ब भी होते हैं, इज दैट क्लियर? तो जेरीमेंडर, जालसाजी करना, धांधली करना। चलिए आगे चलते हैं, अगला वर्ड है, ये आपको बताना है, जिब्रिस। फटाफट जवाब दीजिए, इसका मतलब क्या है, जल्दी से कोशिश कीजिए, जिब्रिस का मतलब क्या है? कोशिश अच्छी है आप लोगों की, काफी अच्छा जवाब देने की आप कोशिश कर रहे हैं। बच्चों पढ़ा करो, बड़बड़ में टाइम मत निकालो, बकवास मत किया करो, राइट ना? यू नो व्हाट, जिंदगी जीने के लिए मिली है, कुछ लोग तो उसे सोचने में गुजार देते हैं। तो कहते हैं ना कि जिंदगी मिली थी जीने के लिए, जिंदगी मिली थी जीने के लिए, लोगों ने गुजार दिया उसे सोचने के लिए। तो ओवरऑल ध्यान रखें, जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसे जी लो तरीके से, पढ़ो, जिंदगी बनाओ, बन जाओ कुछ। लोग तो पहली बार में आईएएस वगैरह क्रैक कर लेते हैं, काश ये मोटिवेशन वगैरह हमारी जिंदगी में होता तो हम भी कोशिश करते, बट हमें तो पता ही नहीं चला कि क्या करना है। वैसे पता क्या नहीं चला, आप यूं भी समझ सकते हो कि हम अपनी नाकामयाबी का क्यों मतलब किसी चीज को श्रेय दें, बस हमारी नहीं थी, हम नहीं कर पाए। आपकी है तो आप करें, आप खुद से पूछें आप कर सकते हो या नहीं, राइट? तो गब्बर जो है ना, वो ऐश्वर्य से बड़बड़ करता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं बड़ बड़ करना। अब मैं यहां करना क्यों नहीं जोड़ सकता, क्यों नहीं जोड़ सकता? क्योंकि ये नाउन है, और नाउन में, अरे हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखो, क्योंकि नाउन में करना नहीं जुड़ता, निरर्थक ध्वनि के लिए अपन इसको यूज करते हैं, समझ के बाहर की भाषा के लिए। गब्बर ऐश के साथ में बड़बड़ करता रहता है, हाँ ना? तो गब्बर ऐश के साथ क्या करता है, बड़बड़ करता है। तो ये हो गया GIBBER, गब्बर, और IAS से बन रहा है, ऐश्वर्या के साथ क्या करता है भाई, गब्बर ऐश्वर्या के साथ क्या करता है, बड़बड़ करता है, आया ना? नॉनसेंस आप नॉनसेंस बातें करना उसको कहते हैं ना अपन। और मैंने इसके आपको याद हो तो कुछ शायद सिनेनिम भी बताए होंगे, क्या क्या बताए थे, तो देखिए, रबिश, RUBBISH, एक तो आपको रबिश बताया था और एक मैंने आपको गार्बेज बताया था, रबिश और गार्बेज। कुछ लोग, कुछ आपको याद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए जल्दी से। और क्या बताया था, मम्मू जम्मू याद है आपको, मम्मू जम्मू, मम्मू जम्मू अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं, MUMBO, और एक मैंने अब आपको इसी के साथ लिखा मम्मो जम्बो, आया ना मम्मो जम्बो। और कुछ याद आ रहा है आपका? कोई बात नहीं, किसी ने कमेंट नहीं किया, लीव इट। तो ये आपका हो गया नाउन, गार्बेज, राइट ना, नॉनसेंस, नॉन सेंस, इज दैट क्लियर? चलें आगे, अगला वर्ड है जाइव। बताइए जाइव का मतलब क्या होता है? कोशिश कीजिए, नहीं आया कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, इसका मतलब है हंसी, हंसी, उपहास या मजाक। और ये मैंने इसकी क्या ट्रिक बताई थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीभ हैं निकाल के हंसी मजाक बनाते हैं, निकाल कर, है ना? कुछ होते हैं ना जो जीभें निकाल निकाल के हंसते हैं, दांत फाड़ते रहते हैं 24 घंटे, उनमें कोई काम तो रहता नहीं है।
तो जीवे निकाल करके कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो आपकी जिंदगी में मजाक करेंगे। पेन चेंज कर लेते हैं अपन, मजाक भी करेंगे। जैसे कहते हैं ना, फिर वो बोलेंगे मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था, गलत लिख दिया ना ये वर्ड गुरुजी, दोबारा लिखो। राइट ना, मैं तो जस्ट क्या कर रहा था, GEST, मैं तो मजाक कर रहा था, जस्ट मैं तो जस्ट हंस रहा था, LAUGH, हंस रहा था, है ना। तो ये ऐसे होते हैं लोग, राइट ना, उपहास उड़ाना, है ना, टोंट मारना, है ना। कुछ लोगों की आदत होती है टोंट मारने की, गलत बात है, इतनी बेकार लाइन मैंने मेरी जिंदगी में नहीं खींची कभी, है ना, और दोबारा से लेनी पड़ेगी। बोले तो TAUNT, टोंट मारना, ये सब इसके हैं, हंसी मजाक करना, राइट ना। तो इसका ध्यान रखना थोड़ा सा भैया, ये बहुत प्यारा शब्द है, इसमें इंसल्ट भी होती है हमारी, है ना, क्या होती है, इंसल्ट भी, पुट डाउन हो जाते हैं अपन इसमें, ठीक है ना। तो ओवरऑल बात समझ में आ गई। एक मैंने इसका और क्या बताया था आपको, टोंट बताया था, ठीक है, कुछ और बताया हो तो ठीक है, नहीं तो इंसल्ट तो आप इसका मान ही लेना, ठीक है ना। इंसल्ट, IN, कितना याद रखूं यार, मेमोरी भी फट जाती है। चलिए एक और, बोर मत होना, इसका बताओ, ग्लेज, गर्ल्स आर वेरी लेजी बट नॉट लेजी इन द शीशा लगाने में, याद है आपको, मैंने आपको बताया था गर्ल्स आर वेरी लेजी, राइट ना। GL से बना गर्ल और LAZE से बना लेजी, तो भैया गर्ल्स क्या है, लेजी होती है, माना माना गर्ल्स लेजी होती है, बट वो उनको जब भी किसी दीवार में खुद को देखने के लिए शीशा लगाना होता है तो वो लेजी नहीं रहती है। शीशा लगाना या दीवार में अगर उनको शीशा जड़ना होता है वो लेजी नहीं हो। टू फिट ग्लास इन टू द, बोले तो वॉल, दीवार में लगाते हैं ना, तो वो उन कहाँ चल जाता है उनका आलस, दिन भर लग जाए भले ही लेकिन शीशा जरूर लगेगा, क्यों, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, शीशे के बिना तो जिंदगी नहीं है ना। सफलता को सिर पर चढ़ने ना दें और असफलता को दिल में उतरने ना दें, जब भी मौका मिले तो अपने आप को आईने में जरूर देख लें, इसलिए घर पर शीशा जरूर लगा लें, इसलिए घर पर शीशा जरूर लगा लें, पर शीशे में आप कभी लेजी ना बने, है ना। तो ओवरऑल और क्या क्या हो सकता है इसका, ऐसे तो बहुत कुछ हो सकते हैं, हम क्यों फालतू में बात करें। चलिए आगे, अब एक और वर्ड ले लेते हैं, ग्लीन, इसका बताओ आप कमेंट करके। कोई दिल से दुआ दे तो बटोर लो, कोई दिल से दुआ दे तो बटोर लो, जुबान से तो हर कोई कहता है खुश रहो। तो भैया गलियों में जो क्लीन करने वाले लोग होते हैं उनका काम है वहां की छोटी छोटी चीजों को, कचरे को बीनना, बटोरना, बटोरना या फिर इकट्ठा करना, आहा, इकट्ठा करना, बटोरना या फिर इकट्ठा करना। To collect or pick up small amounts of news. So what we can say, to collect or pick up a small amount of news, facts, etc. इस तरह की चीजों को पिकअप करना, वापस से देखो, टू कलेक्ट और पिकअप स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूज और फैक्ट्स, इज दैट क्लियर। बीनना का बटोरना, बीनना या बटोरना, राइट ना, ग्लीन। चले आगे,
थकना मत, बोर मत होना बच्चों, दो तीन शब्द और बचे हैं, इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा सबसे पहले? कमेंट कीजिए और मुझे बताइए इसका मतलब क्या है। जल्दी कोशिश कीजिए, कौन बताएगा? नाम कमाना पड़ता है, नाम कमाना पड़ता है, खैरात में तो बदनामी मिलती है जब हमें कामयाबी मिलती है तो लोग हमें क्या करते हैं? बहुत बुरी नजरों से घूरते हैं। क्या बन रहा है इसका? जी एल, गर्ल। मैंने देखा एक गर्ल, जी एल से बन रहा है गर्ल। कोई था या कोई लड़की थी, कोई गर्ल थी जो लूटने के पर्पस से किसी को घूर रही थी। घूरना, एक गर्ल लूटने के पर्पस से किसी को घूर रही थी, कि इसका मतलब हो गया बोले तो घूरना। इज दैट क्लियर? आगे चलिए, अगला वर्ड है आपका ग्लोर। इसका बताओ, जो जवाब देगा उसको शाबाशी मिलेगी। जल्दी कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, मतलबी लोग आपके साथ नहीं बल्कि आपकी हैसियत के साथ होते हैं, इसलिए जो मतलबी लोग सुन रहे हैं वो प्लीज ना घूमो मत सिकोड़ना, है ना, ये डायलॉग उनको मारो। जब भी आपको फुर्सत मिले, जो भी मतलबी लोग हैं उनको ये डायलॉग हमेशा मारना। कैसे मारोगे, है ना? ऐसे होते हैं ना हमारी जिंदगी में लोग, मतलबी लोग, है ना, जो नाक भौं सिकोड़ते हैं, राइट ना, अगर उनका काम ना बने तो। काम बन जाए तो ठीक है, अगर आप उनको जरा सा मना कर दो तो नाक भौं सिकोड़ते हैं। तो आज से एक शायरी उनके लिए, मतलबी लोग आपके साथ नहीं बल्कि आपकी हैसियत के साथ होते हैं, राइट ना, ध्यान रखना। और जब उनका काम ना बने तो नाक भौं सिकोड़ लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया नाक भौं सिकोड़ना, नाक भौं सी कोड़ना, राइट ना, नाक भौं सिकोड़ना, ये इसका मतलब है। और ये ट्रिक कैसे बनाई थी हमने बोले तो, जो ग्लोवर है, नाम सुना है एक फिल्म में, है ना, फिल्म देखते हो आप, गुलशन ग्लोवर जी की फिल्म देखिए कभी कोई, तो बोले तो कोई एक व्यक्ति या ग्लोवर साहब किसी की तरफ बोले तो नाक भौं सिकोड़ रहे थे देख करके, बोले तो एक तरह से कह सकते हो आप उसको घूर रहे थे, तिरछी निगाह से देख रहे थे। तो आप कह सकते हो बोले तो ग्लोवर साहब जो है वो तिरछी निगाह से देखते हैं, तिरछी निगाह से देखना, तिरछी निगाह से देखना, राइट ना, तो ग्लोवर साहब तिरछी निगाह से देखते हैं, राइट ना, वाओ। गुस्सेल निगाह भी आप इसको कह सकते हो, तो मैं यहां लिख देता हूं गुस्सेल निगाह, गुस्सेल निगाह भी ये हो सकता है। और व्हाट इज दिस, दिस इज अ वर्ब, दिस इज अ वर्ब, ये एक वर्ब है, राइट, और जिसका मतलब होता है ये एक वर्ब है, क्लियर है साहब? और जिसका मतलब मैंने अभी आपको बताया, नाक भौं सिकोड़ना, जो नाक भौं सिकोड़ने का काम करते हैं दोजार, वो क्या है, ग्लोवर है, बट एक क्रिया है। इसलिए अब अगर एक क्रिया है तो इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कैसे बनेगी, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, डोंट वरी, जी एल ओ डब्ल्यू ए आर ई डी, राइट ना, और फोर्थ फॉर्म कैसे बनेगी, जी एल ओ डब्ल्यू ई आर आई एन जी, ग्लोवरिंग, और इसकी फर्स्ट फॉर्म में एस कैसे लगेगा, ग्लोवर्स, राइट, एल ओ साहब, ये इसको क्रिया होगी। चले आगे, और दो तीन शब्द बचते हैं, राइट ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज, और एक ट्रिक, गर्ल, आपने देखा होगा, राइट ना, एक चीज और आपने नोटिस की होगी, जो लोअर कैटेगरी के होते हैं बोले तो नीची कैटेगरी के, नीची सोच के, नीची सोच के जो लोग होते हैं वही गर्ल को, गर्ल को बोले तो तिरछी निगाहों से देखते हैं, राइट ना, इसको तिरछी को सही करो, गर्ल को, ये भी फिट है यहां, बोले तो तिरछी, अरे यार गुरुदेव तिरछी नहीं लिखना आ रहा, रुको, मुझे पता तो है कैसे लिखेंगे,
बट कभी कभी नीची सोच के लोग, अब आपको दिख गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, गर्ल को तिरछी निगाह से देखते हैं। बड़ी मुश्किल से तिरछी लिखा ही आया है, राइट। कई के बार होता है दिमाग कहीं होता है और हम कुछ कर रहे होते हैं, तो नीची सोच के जो लोग लोअर कैटेगरी होते हैं वही गर्ल को तिरछी निगाह से देखते हैं। इज दैट क्लियर? वही नाक भौं सिकोड़ते हैं। आगे बताओ, एक और आपके सामने ग्लूटन, क्या मतलब है इसका? ग्लूटन, जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा, पेट भर खाना मिलेगा, भयंकर। नहीं आया समझ में? चलिए मैं बताता हूं, ये बन रहा है GLU, बोले तो ग्लू, बोले तो गले तक, और TOON से बन रहा है टन। और मैं यहां बना लेता हूं, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं गले तक, बोले तो मिट जा, लाइन सही नहीं लगी, बोले तो टन। कुछ लोग होते हैं जो गले तक टन भर खाते हैं, पर ऐसे लोग पेटू कहलाते हैं, बोले तो कुछ लोग, है ना, गले तक, और GL से बन रहा है गर्ल। अब हम कनेक्ट कैसे करेंगे? बोले तो कुछ गर्ल ऐसी होती हैं जो पेटू होती हैं और गले तक, जब तक टन भर, मतलब इतना, मतलब ना भर जाए तब तक टन भर खाती रहती हैं, खाऊ जिन्हें हम कहते हैं, राइट ना। ये नाउन है, बुरा मत मानना मेरी बात का कोई भी, प्लीज, राइट ना। ग्लूटन का मतलब होता है नाउन, ग्लूटन का मतलब नाउन होता है। और हम क्या कह सकते हैं? बोले तो ए पर्सन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है, उसे कहते हैं पेटू, खाऊ, आया ना, ठीक है, हो गया साहब। बोले तो कुछ गर्ल जब तक खाती रहती है, जब तक, बोले तो पेट ना भर जाए, गले तक ना जाए, इसलिए कहते हैं ग्लूटन। और इसकी नाउन कैसे बनेगी? मतलब ये ग्लूटन जो है ये आपकी नाउन है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, खाऊ, भुक्कड़, ऐसे लोग, अच्छा इसको हम किताबी कीड़े से भी कभी कभी कनेक्ट कर लेते हैं, किताबी कीड़े से भी अपने इसको कर लेते हैं, राइट ना। और बच गया एक वर्ड, देख लेते हैं कितने वर्ड बच रहे हैं आपके। अरे भाई साहब, एक दो तीन, ज्यादा नहीं, तीन दो वर्ड बच रहे हैं इसके बाद, है ना। गोद वाला बताओ, GOAD, क्या मतलब है इसका? जल्दी बताइए, जल्दी फिनिश कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं बताता हूं। देखिए कोई बात नहीं, आपने कोशिश की वही काफी है, मां की गोद, ट्रिक बता रहा हूं, मां की गोद बच्चे को, मां की गोद बच्चे को प्रेरित करती है। इसका मतलब प्रेरित करना, प्रेरित करना, राइट ना। मां की जो गोद है वो बच्चे को क्या करती है? प्रेरित करती है, राइट ना, आगे बढ़ाती है, राइट। चलिए अगला वर्ड, ये बता गौर, इसका मतलब क्या है? गौर का मतलब क्या है? जल्दी कोशिश, नहीं आ रहा, मैं बताता हूं, गोरे गोरे मुखड़े पे गाढ़ा गाढ़ा खून, इसका मतलब होता है गोरे गोरे मुखड़े पे गाढ़ा गाढ़ा खून। तो यानी कि जमा हुआ खून या फिर गाढ़ा खून। और इसकी ट्रिक आपके सामने समझ आ गई होगी कि GORE सीधा बन रहा है व्हाट्सएप चैटिंग की तरफ, गोरे गोरे मुखड़े पे गाढ़ा गाढ़ा खून, इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका, एक्चुअली में व्हाट इज दिस, दिस इज नाउन, ये नाउन है, क्लियर है साहब। और हम कह सकते हैं एक तरह से इसको ब्लड,
लेकिन कौन सा ब्लड? ब्लड तो है ही, लेकिन कब? स्पेशली व्हेन इट इज थिक, व्हेन इट इज थिक एंड सॉलिड, राइट ना? व्हेन इट इज थिक एंड सॉलिड, उस मतलब खून को कहते हैं गौर, राइट? और बताइए, एक और वर्ड है, इसको भी बता दीजिए, फाइनल वर्ड, ये लास्ट वर्ड है, जल्दी बताइए। गॉर्ज, और मैंने इसको कनेक्ट किया था जॉर्ज, जॉर्ज है ना, और जॉर्ज साहब जो हैं, बोले तो जॉर्ज साहब जो हैं वो तंग घाटियों में फंस गए, तंग घाटियों में फंस गए, जॉर्ज साहब किस में फंस गए? तंग घाटियों में। और व्हाट इज दिस? दिस इज नाउन, ये नाउन है, इज दैट क्लियर? ये क्या है? नाउन है, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। बोले तो डीप नेरी वैली जो होती है, तो मैं यहां लिख सकता हूं, बोले तो ए डीप पतली नैरो है ना, बहुत सक्री वैली, राइट? उसके लिए, इज दैट क्लियर? और बताइए। तो ये आपका था साहब, जोर साहब तंग घाटी में फंस गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनअकैडमी के साथ बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी, राइट? चाहे आरएएस, आरपीएससी, जिस भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्जाम का सब्सक्रिप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। आपकी एक ही फीस लगेगी, चाहे आप इंग्लिश के नाम से लें, चाहे मैथ्स के नाम से लें, लेकिन आपको सब्जेक्ट सारे मिलेंगे। उसमें भी अगर आपने लाइव रॉयल प्रोमो कोड यूज किया, मेरा कोड, वाइल डूइंग पेमेंट करते समय, तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट, आपको वहीं के वहीं 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जानकारी देना मेरा फर्ज था, ताकि आप सबको ये जानकारी मिले। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गाइज, बाय बाय।